आनंद मोहन की रिहाई के बाद जहां एक तरफ इस पर पूरे बिहार में सियासत तेज हो गई है, वहीं पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या वाक्या को ही हटा दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से बिहार कारागार नियमावली में किए गए संशोधन को गैर कानूनी बताया गया है। कहा गया है कि यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराने वाली है। मीडिया कर्मी रोक रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई के बाद जहां एक तरफ इस पर पूरे बिहार में सियासत तेज हो गई है, वहीं पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या वाक्या को ही हटा दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से बिहार कारागार नियमावली में किए गए संशोधन को गैर कानूनी बताया गया है। कहा गया है कि यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराने वाली है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद जहां एक तरफ इस पर पूरे बिहार में सियासत तेज हो गई है, वहीं पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या वाक्या को ही हटा दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से बिहार कारागार नियमावली में किए गए संशोधन को गैर कानूनी बताया गया है। कहा गया है कि यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराने वाली है। मीडिया कर्मी रोक रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई के बाद जहां एक तरफ इस पर पूरे बिहार में सियासत तेज हो गई है, वहीं पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या वाक्या को ही हटा दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से बिहार कारागार नियमावली में किए गए संशोधन को गैर कानूनी बताया गया है। कहा गया है कि यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराने वाली है।